पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के थाना भोजपुर इलाके के पीपलसाना रेलवे क्रॉसिंग के निकट सड़क के किनारे घास चर रही भेड़ों के ऊपर हाई टेंशन तार टूट कर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें लगभग 75 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। घटी है, एक बहुत ही गरीब परिवार है पाल समाज का, वो यहाँ पर अपने भेड़ों को चुगाते हैं। ये रेल रोड के किनारे 11,000 की लाइन जा रही है। अभी दोपहर में 2-3 घंटे पहले ये जर्जर तार जर्जर इनको बदलने के लिए मैंने ये हिसाब से बात होती पहले जैसे तार कर चल रहा है तार बदलने का, एक जर्जर तार टूट कर भेड़ों पर गिर गया है और 90 से 100 के करीब वो भेड़ उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। मैंने प्रशासन के लोगों से यहाँ आए हुए हैं, उनसे निवेदन किया है कि इनको सरकार के द्वारा मिलने वाला जो मुआवजा है जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस गरीब परिवार की आपको मदद करनी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इस परिवार को कुछ मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा जो होगा वो दिलाया जाए। असल में यहाँ पर तार तो जर्जर है ही, लेकिन जहाँ बस्ती आबादी आती है वहाँ पर तार के नीचे जाल लगाया जाता है, तो यहाँ पूरी ही लाइन में जितने भी 11,000 की है पूरे क्षेत्र में वहाँ कहीं भी नीचे जो बस्ती में तार नहीं है, वो जाल नहीं है। मेरे SDO साहब से बात हुई, SDO साहब ने बोला है, मैंने कहा था उनसे, तो वो कह रहे हैं कि हमने एक किसी कंपनी को ठेका दे दिया है और वो कार चल रहा है, बहुत ही जल्दी सारे तार बदले जाएंगे, इसमें नए तार लगेंगे। हमारी सरकार की तरफ से बिजली विभाग को सख्त आदेश है के बस्ती के पास इस स्थिति के जगह स्थिति के जितने भी तार चल रहे हैं उनको तुरंत बदला जाए और ये अभियान बहुत तेजी से आपने देखा होगा चल भी रहा है, बदले भी जा रहे हैं। देखिए अपने क्षेत्र में खड़े हैं बिहार विधानसभा 27 में, यहाँ पीपलसाना के अड्डे पर एक गड्ढे के अंदर पानी भर रहा था, वहाँ पर पाल समाज के कुछ गरीब लोग बेचारे अपनी भेड़ें जो हैं वो चुगाने का काम कर रहे थे, जो कि 11,000 की लाइन जो पहले से जर्जर थी उसका टूट करके तार गिर गया पानी में और पानी में अंदर भेड़े थी, ये जानवर थे जिसमें करीब लगभग बताया जाता है कि 75 भेड़े जो है वो हताहत हो गई, ख़त्म हो गई। और ये बड़ा ऊपर वाले का कर्म है कि कोई आदमी वहाँ नहीं था, नहीं तो फिर 1 या 10 जो भी होते आदमी भी होते वो भी ख़त्म हो जाते। तो हम लोग यहाँ पीपल थाने के अड्डे पर हैं, मेरी बात अभी हुई SDM साहब से भी हुई और जो लाइट के विद्युत के जो एक्शन है उनसे भी बात हुई और यहाँ पर JE भी हैं, SDO नहीं है मौके पर यहाँ, और डॉक्टर साहब आ गए हैं, उन्होंने सैंपलिंग ली है, अभी इनकी पोस्टमार्टम करने की तैयारी है और भर करके उनको खिलाड़ी में ले जा रहे हैं इनका पोस्टमार्टम के लिए, और जो इनकी रिपोर्ट होगी वो बनेगी उसके बाद में अधिकारियों का ये आश्वासन है कि इनकी हर्जाना मिलेगा, इनकी पूरी मदद होगी। और हमारा अधिकारियों से यही कहना है कि ये गरीब लोग हैं और इनका ये कारोबार है, मजदूर लोग हैं, ये वैसे तो बच गए लेकिन अगर इनका हर्जाना नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, तो इनको हर्जाना पूरा मिलना चाहिए। बिजली विभाग की क्या घोर लापरवाही नहीं? देखिए बिजली विभाग की अगर घोर लापरवाही नहीं होती तो ये झरझर है काफ़ी दिनों से, और ये 11,000 की लाइन यहाँ पर तो कितने भी लोग होते अगर उन पर गिर जाती कितनी लाशें पड़ी होती यहाँ पर, तो ये पूरी जो है बिजली विभाग की लापरवाही है। और हम ये कहना चाहेंगे उनसे तो उनको इस बात की नसीहत लगनी चाहिए और आगे वो ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। अभी पूरे भोजपुर में जहाँ जहाँ भी 11,000 की लाइन निकल रही है वो खास करके बस्ती में निकल रही है, लेकिन वहाँ कहीं भी नीचे जाल नहीं है, तो यह हादसा तो कहीं भी हो सकता है। नहीं अभी मैंने पीछे लिख के दिया है भोजपुर के अड्डे पर जो मार्केट है उसके ऊपर भी कम से कम 50 से 40 दुकानों के ऊपर 11,000 की लाइन आ रही है और वो मकानों से मिल रही है, मैंने लिख करके एक्शन साहब को भी दिया है, चीफ साहब को भी दिया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। और जो लोग जा रहे हैं तो उनसे ये कह रहे हैं कि आप लोग इसका जितना भी खर्च होगा वो भर दीजिए और हम इसे लाइन को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह कर देंगे। तो ये दुकान वाले जो हैं और ये गरीब गुरबा जिनके मकान आ रहे हैं उनसे इतना इंतजाम नहीं हो पा रहा और वो लाइन आज तक नहीं हट पा रही, क्योंकि अगर
वहाँ भी इस तरह का हादसा हो गया तो वो तो स्वयं खुद घरों के अंदर इंसान रहते हैं, जिस टाइम पे भी कोई तार गिर गया या इस तरह का हादसा हो गया तो वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लोग मर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, विद्युत के जो अधिकारी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो जो भोजपुर के सामने जो लाइन 11,000 की मकानों के ऊपर आ रही है उसे भी तुरंत हटा करके और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।